हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो मैं आपके लिए आज नॉन हिंदी का क्वेश्चन बैंक लाया हूँ। इससे पहले मैं पार्ट वन लाया था, उसमें चार चैप्टर का क्वेश्चन बैंक था, ठीक है ना। तो इसमें भी चार चैप्टर का क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग एक बार इसको पढ़ते हैं ध्यान से। और बहुत आसान है, मेरे ख्याल से आपको एक बार जब पढ़ लीजिएगा ना, तो मेरे ख्याल से बहुत कम चांसेस है कि आप इन सवाल को भूल पाइएगा। तो एक बार पढ़ने में क्या जाता है, एग्जाम में आएगा तो छाप लीजिएगा और नंबर इसी से तो जुड़ेगा आपका, ठीक है ना। सबसे पहला सवाल है, अशोक का शास्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म रहेगा। तो सम्राट अशोक ने ऐसा बोला था क्योंकि वो बौद्ध धर्म अपना लिया था, युद्ध करने से मतलब अपने आप को मना कर लिया था। अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए थे, तो पीले वस्त्र जो बौद्ध धर्म अपनाए थे ना, तो पीले कलर के कपड़े पहन के थे। शास्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, तो जब शस्त्र त्याग दिया यानी कि हथियार जब त्याग दिया कि अब हम कहीं कभी भी जंग नहीं लड़ेंगे, युद्ध नहीं लड़ेंगे, तो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। ओके, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने करवाया, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है कि तिब्बत में प्रचार प्रसार किसने करवाया, तो ये हो जाएगा अतिश दीपंकर। ओके, और देखिए ये मतलब एक्चुअली रियलिटी है, तो इसलिए इस सवाल इस टाइप का सवाल जो है ना एकदम अच्छा अच्छा सवाल बन जाता है। और कुछ ऐसा चैप्टर जो आपके किताब में जो कहानी टाइप का है, तो कहानी तो खैर भाई नॉर्मल सा है, हर किसी को याद होता है, लेकिन इस टाइप का सवाल ना कन्फ्यूजन बच्चा करता है, तो आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में किसके महत्व का प्रकाश डाला है, तो अहिंसा के महत्व पर, है ना, अहिंसा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। 4 साल से युद्ध के पश्चात कौन जीता नहीं जा सका, 4 साल तक युद्ध चला फिर भी कलिंग जो है जीता नहीं जा सका था, ठीक है ना। तो 6 का 80 हो गया। सातवां सवाल देखिए, अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक का नाम क्या, यहाँ पे दिया हुआ डेट ईयर कब ये सवाल पूछा है, ठीक है ना। तो अशोक का शस्त्र त्याग जो है ना वो चैप्टर उसके लिए राइटर है बंसीधर श्रीवास्तव। कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, पद्मा इनका नाम था। कलिंग महाराज की कन्या का नाम कौन क्या था, पद्मा। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं, जो हथियार फेंक कर चलाते हैं उसको अस्त्र कहते हैं, क्या कहते हैं, अस्त्र। और शस्त्र हो गया वो तलवार टाइप का, ठीक है, जो पकड़ के चलाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 9 का A। नेक्स्ट पढ़ते हैं 10वां सवाल देखिए, बोलता क्या, बुद्ध शरण गच्छमी किसने कहा, बुद्ध शरण गच्छमी, तो ये मेरे ख्याल से ये शायद इसका मतलब होता है कि हमको बुद्ध शरण शरण में स्वीकार कीजिए, कुछ इस तरह से मतलब इसका होता होगा। तो ये जो है क्या अशोक ने कहा था, किसने कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सका, तो 4 साल युद्ध चला था फिर भी कलिंग जो है जीता नहीं जा सका। स्वयं पकड़ में आना का मतलब क्या होता है, स्वयं पकड़ में आना का मतलब आत्मसमर्पण करना, जैसे अशोक ने अपने आप को क्या कर लिया, आत्मसमर्पण कर दिया कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, किसने कहा था, तो अशोक ने कहा था। ओके, कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकली, जब दुर्ग मतलब दरवाजा होता, जब कलिंग का गेट खुला तो केवल स्त्रियों के ही सेना बाहर निकली, इसीलिए अशोक ने बोला था कि मैं स्त्रियों पर जो है हथियार कभी नहीं चलाऊंगा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14 का। 15 देखिए, 15 सवाल देखिए क्या बोलते हैं, मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा, और यह पंक्ति किसने कहा था, तो ये पंक्ति जो है अशोक ने कहा था। कलिंग संबंधित है, कलिंग किससे संबंधित है, कलिंग जो पद्मा से, क्योंकि पद्मा जो है कलिंग के रहने वाली थी, है ना जी। चलिए आगे देखिए सवाल, 4 साल चला, देखो सवाल एक ही सवाल को कैसे पूछ रहा, 4 साल क्या चला, तो कलिंग युद्ध चला था 4 साल। ओके, तो 17 के हो जाएगा, सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया था, अशोक ने, कि सैनिकों को अधिकार दे दिया था, आदेश दिया था कि तलवार फेंक दो। ओके, अब पद्मा का संबंध किससे है, तो पद्मा का संबंध कलिंग युद्ध से है, क्योंकि कलिंग युद्ध ही तो पद्मा ने जो है स्त्रियों की सेना लेकर जो बाहर निकली थी और अशोक से अपने पिता का बदला लेने के लिए आई थी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है, किसने कहा था ये लाइन, तो पद्मा ने बोला था, है ना, कि मुझे अपने पिता का बदला लेना है। दूसरे दिन प्रातः काल सम्राट अशोक के पास कौन थे, तो उसके जो जितने सारे सेनापति थे ना वहाँ पे सब मौजूद थे, उसके सेनापति। चलिए ठीक है, यहाँ पे और कुछ ये सवाल तो आप जान रहे हैं, इंपॉर्टेंट सवाल, इसका आंसर यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ते हैं। ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से, बहुत इंपॉर्टेंट इससे भी सवाल पूछा जाता है। तो चिंता को लोग क्या कहते हैं, चिंता ता चिता चिता त चिता, चिंता का मतलब चिता हुआ, ठीक है ना। और बाजार के मक्खियाँ को छोड़कर एकांत की ओर भागो, या किसने कहा था, बाजार के मक्खियाँ को छोड़कर एकांत की ओर भागो, है ना, नीतशे ने कहा था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में कहा गया जिसे किसी प्रचंड चिंता में पकड़ लिया उस बेचारे की जिंदगी
कहा जाती है खराब हो, यानी कि ईर्ष्या के बारे में बोला तू ना गई मेरे मन में। कहा गया कि जिससे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया, बहुत टेंशन हो गया तो उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। सही संतुलित तो जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख किस शीर्षक पाठ से मिलती है? तो ये जो ईर्ष्या तो ना गई मेरे मन से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ है जो हमारे जीवन को अच्छा करने के लिए एक बहुत ही पाठ्य मतलब बताता है कि हमें जीवन में कैसे जीना चाहिए, समाज में, माहौल में, लोगों से कैसे इखलाक मोहब्बत से के साथ रहना चाहिए, ईर्ष्या हमें नहीं करना चाहिए, जलन नहीं करना चाहिए, वो सब बताता है। किनके विभव की वृद्धि से वकील साहब कलेजा जलता था? तो बीमा एजेंट था उसके बगल में, है ना। किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या हो सकता है? सद्गुणों का ह्रास, यानी कि आप में अगर किसी व्यक्ति में सद्गुण नहीं है, मतलब अच्छा गुण नहीं है, तो आप पतन हो सकते हैं, आप हार सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी फील्ड में। तो गुण हम होना बहुत जरूरी है। ईर्ष्या का संबंध किससे है? तो ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्विता से, यानी कि ईर्ष्या अक्सर जब होता है तो कंपटीशन टाइप का हो जाता है। अरे उसके पास एक गाड़ी है, कैसे गाड़ी लिया, का किया, इस टाइप का सोच होना, है ना, ये प्रतिद्वंद्विता कहलाएगा। ईर्ष्या तो ना गए मेरे मन से निबंध में हृदय का दंश के दाह को कौन भोगता है? तो ईर्ष्यालु, जो ईर्ष्यालु होता है उसी को प्रॉब्लम होता है ना, अक्सर उसी को नुकसान होता है। चलिए, ईर्ष्या का संबंध किससे? तो ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्विता से है। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसने तुम्हारी भलाई की, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ईश्वर चंद्र विद्या सागर ने बोला था कि तुम्हारी निंदा वही करेगी जिसने तुम्हारी भलाई की। ओके, चलिए आगे सवाल देखते हैं। तो 10वां सवाल हमारा है, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसने तुम्हारी भलाई की, तो इसका आंसर हो गया ईश्वर चंद्र विद्या सागर। चलिए 11वां सवाल है, ईर्ष्या को क्या कहा गया? ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा गया, है ना। दिनकर किस रचनाकार के नाम से जुड़ा होता है? रामधारी सिंह दिनकर इन्हीं के नाम से जुड़ा हो, रामधारी सिंह दिनकर। नेपोलियन भी स्पर्धा करता था, मतलब समझ रहे ना, कंपटीशन करता था, किससे करता था? सीजर से करता था। ओके, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा राइट आंसर। चलिए जी, हमें नहीं होने चाहिए क्या, हमें ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से पाठ के लेखक कौन है? तो अभी पढ़े रामधारी सिंह दिनकर। लेखक के अनुसार निंदा की माँ कौन है? तो ईर्ष्या जो है निंदा की माँ है, और निंदा ईर्ष्या की बड़ी बेटी है। अभी सवाल यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, जा इसमें तो इतने ही सवाल हैं, और सवाल होना चाहिए। इसमें कुछ और सवाल हैं, एक मिनट कहाँ चला गया, दीदी की डायरी शुरू हो गया। अरे भाई साहब, ये तो सवाल ही गायब हो गया। तो इसमें कुछ और सवाल था, ठीक है, मैं वो लास्ट में ऐड कर दूंगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्राचीन काल में अंग महाजन पद के नाम से जाना जाता कौन? भागलपुर। ओके, चलिए आगे देखते हैं सवाल क्या बोलता है, एक मिनट आगे देखते हैं। तो बहुत देर से मैं मोबाइल में पढ़ा रहा हूँ, ऐसे मोबाइल में जल्दी पढ़ा नहीं रहा था, लेकिन अर्जेंट में मुझे पढ़ाना पड़ा मोबाइल में, ठीक है ना। आगे, भिक्षु वर्ग में रहने के बाद आचार्य क्या मानकर शिष्य को बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते थे? तो क्या मानकर करवाते थे? तो आंसर हो जाएगा पुत्रवत मानकर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का किसके आक्रमण से सर्वनाश हो गया? तो तुर्की आक्रमण किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर, फिर जो है सर्वनाश हो गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो राजा धर्मपाल, है ना, पाल वंश के राजा था धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल से शिक्षा का केंद्र रहा है? तो बौद्ध काल से जो है शिक्षा का केंद्र रहा है। चलिए, आर्यभट्ट विद्या किस विद्या का विशेष क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो आर्यभट्ट जो है खगोल विद्या है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अभिवार वे किस शताब्दी में हुआ था? तो 8वीं शताब्दी में हुआ था। ओके, तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एट देखें, 10,000 छात्र एवं 1,000 अध्यापक कहाँ रहते थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय थे? तो 6 विश्वविद्यालय थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कौन थे? तो हरिभद्र। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला भी चैप्टर है, और बच्चा इसमें भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन करता है, क्योंकि इसको ये रियलिटी है, ये कोई कहानी नहीं है, रियलिटी है। और रियलिटी पढ़ने में अक्सर रियलिटी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ टाइप का बन जाता है, क्योंकि इसमें नाम है, कुछ लोगों का नाम है, पुराने लोग का नाम है, तो उसमें थोड़ा से आपको पढ़ना पड़ेगा। विक्रमशिला में कितने अध्यापक थे? तो ये तो नॉर्मल सा है। विक्रमशिला में पुरातात्विक खनन के दौरान भूमि स्पर्श मुद्रा में किसकी प्रतिमा निकली थी? तो लगभग 4 फीट की जो है भगवान बुद्ध की प्रतिमा निकली थी, ठीक, 4 साढ़े 4 फीट, 4 साढ़े 4 फीट, हाँ 4.5 फीट के। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कक्षा की व्यवस्था और समय निर्धारण के लिए अलग से कौन नियुक्त किए गए थे? तो
तो अलग से जो है आचार्य नियुक्त किए थे ना, आचार्य जो है अलग से नियुक्त किए गए थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में खुदाई के से प्राप्त एक सील का सत्यापन किसने किससे किया गया? तो वीर वज्र से किया गया। ओके, 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये चैप्टर है दीदी की डायरी से। माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने बनाया? तो भैया ने बनाया था। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है दूसरा नंबर, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किसके जादू के करिश्मे को देखकर संजू मचल गई? संजू लिखा हो, संजू मचल गई, तो दीदी के करिश्मे को देखकर। ठीक है जी, चलिए वो जो पहले छोटा उसको मैं करवा दूंगा लास्ट में। दीदी की डायरी में 3 जनवरी 97 का दिन कैसा था? तो पिकनिक मनाने का दिन था। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? तो देखो गांधी जी से भी मिली है, तो यहाँ पे गांधी जी तो है ना, तो उसकी दीदी से मिली थी। दीदी की डायरी हिंदी गद्य की कैसी विद्या है? तो ये नई विद्या, ऑप्शन नंबर बी। संजू स्वभाव से कैसी थी? हसमुख थी। सत्य के प्रयोग पुस्तक का नाम है, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। किसने किसे किताब पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था? संजू को। आजकल सबको मोबाइल चलाने का शौक मिलता है ना, संजू को किताब पढ़ने का शौक था। 8 साल की लड़की, 8वीं क्लास के पढ़ने वाली। भैंस से दूध लेना है या कशीदाकारी करवानी है, किसने कहा? ये कहा था मालिक ने। संजू की किससे सहेली की शादी बचपन में ही हो गई थी, कर दी गई थी? नीलू। संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वो किस महीने के थे? वो जनवरी महीने के थे। ठीक है जी, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे किस महापुरुष से मिली? देखिए ऐसे सवाल एक पूछता है, किस महापुरुष से मिली दीदी डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली? ओके, तो क्या हो जाएगा? बापू। 8वीं कक्षा में पढ़ते कौन? संजू। संजू पिकनिक मनाने गए थे कब? 3 जनवरी को। वही सवाल घुमा घुमा के मतलब देते रहता है इसे। किताबें पढ़ने का शौक किन्हें है? तो किताबें पढ़ने का शौक संजू को है। किसने हट करते हुए कहा, दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना? संजू ने कहा था। स्कूल में संजू को कैसी पुस्तक तलाश कर रही थी? चटपटी पुस्तक। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तोता जान नामक पुस्तक में किसकी कहानी है? नेपाली लड़की की। संजू को उसके जन्मदिन पर क्या उपहार मिला? तो जाहिर सी बात पुस्तक की शौकीन थी तो पुस्तक ही मिलेगा। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 4 जनवरी को कैसा दिन था? तो रविवार का दिन था। 4 जनवरी रविवार का दिन था 1997 को। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी कौन? दीदी की डायरी शीर्षक पाठ कक्षा में चुपचाप बैठी रहती है, तो कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी वो संजू है ना, संजू जो है चुपचाप बैठी रहती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संजू। उसके बाद आपके कुछ यहाँ पे सवाल हैं। ओके, तो अब जो मेरा बच रहा था एक चैप्टर, थोड़ा सा घट रहा था वहाँ पे, एक मिनट मैं इसको दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन। हाँ ये सवाल ईर्ष्या वाला, मैंने वो पेज कटा हुआ था तो वो पेज मैं दिखा रहा हूँ, वो देख लीजिए। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहता था? तो बीमा एजेंट रहता था। जिसके दिल में ईर्ष्या जलाती है, ईर्ष्या की सबसे पहले किसको दिल में जलाती है? जिसके दिल में पैदा होती है ईर्ष्या उसी को सबसे पहले जलाती है। रामधन सिंह दिनकर जो है उनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? उनका जन्म जो है बिहार में हुआ था। वकील साहब कौन थे? तो वकील साहब भाई ईर्ष्यालु थे, बहुत ईर्ष्यालु थे है ना, ईर्ष्या करने वाले। निंदा क्या है? तो निंदा जो है ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है, ये सवाल पूछा है बहुत बार। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है? पाठ है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर क्या है? तो मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर जो कवि है, मुख्य रूप से कवि है। यार ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है, ये किसने कहा था? नीत्से ने कहा था। लेखक रामधारी सिंह दिनकर सिंह हाँ के घर के दाहिने कौन रहते थे? तो वही वकील साहब रहते थे है ना, ज़्यादा जलनता वही था ना। लेखक रामधारी सिंह दिनकर के रोचक निबंध ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से किस पर टिप्पणी करती हैं? तो रोजमर्रा के व्यवहारों पर। तो फिलहाल ये 4 चैप्टर का मैंने करा दिया, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो बोलिए, नेक्स्ट 4 चैप्टर और भी मैं करवा दूंगा। ओके, अच्छी लगी वीडियो तो शेयर करना दोस्तों को। डैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, और हो सके तो इन सभी सवालों का आंसर आप देख लीजिए गाइड वगैरह में, बेहतर रहेगा। ओके बाय।